friend during our liberation war. They supported us. Not only that, after 75 when we lost, we two sisters, you can see. बांग्लादेश में आम चुनाव के लिए आज वोटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में पूरी दुनिया की नज़र इस चुनाव पर है कि आखिर यहाँ की जनता किसे चुनकर वापस लाती है। लेकिन मुख्य विपक्षी दल बीएनपी के इस चुनाव का बहिष्कार करने की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना की लगातार चौथी बार जीत दर्ज करने की सबसे ज्यादा संभावना है। मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हो गया है जो शाम 5 बजे तक समाप्त होगा। सभी लोग बांग्लादेश में मतदान करने पहुँच रहे हैं। शेख हसीना ने भी आज मतदान किया, मगर इस बीच वो भारत की तारीफ करना नहीं भूली। मतदान के बाद उन्होंने कहा, आपका हार्दिक स्वागत है, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारा भारत जैसा भरोसेमंद दोस्त है। हमारे मुक्ति संग्राम के दौरान उन्होंने हमारा समर्थन किया। 1975 के बाद जब हमने अपना पूरा परिवार खो दिया, उन्होंने हमें आश्रय दिया, इसलिए भारत के लोगों को हमारी शुभकामनाएं। Not only that, after 75, when we lost, we two sisters, you can see, when we lost our whole family. लेकिन सवाल ये है कि भारत के अलावा और देश जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन, इन सब की दिलचस्पी बांग्लादेश चुनाव में इतनी अधिक क्यों है? तो देखा जाए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 400 अरब डॉलर को पार कर गई है। बांग्लादेश आज आर्थिक और भू राजनीतिक रूप से ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया के कई कद्दावर देश उसकी तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार ने अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के कई प्रयास किए हैं। शेख हसीना सरकार को लंबे समय से भारत का समर्थन मिला है। इसकी वजह है कि शेख हसीना की अवामी लीग सरकार देश में चरमपंथी और कट्टरपंथी तत्वों पर लगाम लगाने में काफी हद तक कामयाब रही है। भारत भी अपने पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा संबंधी हितों के लिए बांग्लादेश पर भरोसा करता है। मोदी सरकार की लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी बांग्लादेश बहुत जरूरी है। इन नीतियों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी, डिजिटल इंटीग्रेशन, व्यापार, निवेश और एनर्जी कोलैबोरेशन शामिल है। वहीं बांग्लादेश के लिए भी भारत के मायने बहुत हैं। भारत ने रक्षा आयात के लिए बांग्लादेश को 50 करोड़ डॉलर का ऋण भी दिया है। अब अमेरिका की बात करें तो अमेरिका अक्सर शेख हसीना सरकार पर भ्रष्टाचार और लोकतंत्र का गला घोटने के गंभीर आरोप लगाता है। अमेरिका मुख्य विपक्षी दल बीएनपी का लगातार समर्थन कर शेख हसीना सरकार पर गंभीर आरोप लगाता रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में अमेरिकी दूतावास विपक्ष के लिए जमीन तराशने में जुटा हुआ है। पिछले साल अमेरिका ने विशेष रूप से बांग्लादेश के आला अधिकारियों, नेताओं और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए वीजा पर प्रतिबंध भी लगा दिए थे। अब क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश सरकार का विरोध करते आया है तो कहीं ना कहीं रूस के लिए भी ये चुनाव काफी दिलचस्पी भरा है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव पिछले साल सितंबर में बांग्लादेश दौरे पर गए थे। उनका ये दौरा ऐसे समय पर हुआ था जब अमेरिका और यूरोपीय संघ एक तरह से बांग्लादेश सरकार पर निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने का दबाव बना रहे थे। फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात किसी से नहीं छिपी है कि अमेरिका अपनी गवर्नमेंट चेंज की अघोषित पॉलिसी के जरिए अस्थिर देशों में सरकार बदलने की मंशा रखता है। और शेख हसीना खुद ये बात कई बार कह चुकी हैं कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारी चुनाव में दखल देने की पूरी कोशिश कर रहे। ये इशारा उनका अमेरिका की तरफ ही था। अब रही बात चीन की तो भारत का बांग्लादेश बेहद करीबी है। ऐसे में चीन भी बांग्लादेश से रिश्ते बिगाड़ने से कतराता है और यही वजह भी है कि चीन ने हाल के सालों में बांग्लादेश के साथ बेहद करीबी रिश्ते बनाए। इन संबंधों की बदौलत बांग्लादेश को ऐसे समय में पद्मा ब्रिज के लिए कर्जा मिला जब वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में साझेदार होने के अलावा चीन एक तरह से बांग्लादेश की कई बड़ी परियोजनाओं की फंडिंग भी कर रहा। इनमें सड़क, सुरंग, रेलवे और पावर प्लांट शामिल हैं। इसके साथ ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बांग्लादेश को 20 अरब डॉलर के कर्ज का वादा भी किया है, क्योंकि बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है। इसके दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है जिसे विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी भी कहा जाता है। ऐसे में बांग्लादेश में किसकी सरकार आती है ये इन देशों के लिए काफी मायने रखता है। शेख हसीना का वादा है कि 2041 तक बांग्लादेश को स्मार्ट राष्ट्र बनाना है। उन्होंने 2030 तक युवाओं के लिए 1.5 करोड़ नौकरियों के सृजन का भी वादा किया है और उनकी छवि भी काफी अच्छी मानी जाती है। भारत के रिश्ते बांग्लादेश से अच्छे रहे हैं और शेख हसीना सरकार का भारत समर्थक रहा है, तो कहीं ना कहीं भारत रूस यही चाहते हैं कि शेख हसीना सरकार चुनाव जीत कर वापस आए। अमेरिका के लिए जरूर ये झटका है। खैर, चुनाव कौन जीतेगा ये भी कुछ समय में पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।